हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तनवीर और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉक विद तनवीर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि हमारे बहुत से भाई लोग सेकंड हैंड लैपटॉप खरीदने की जब जरूरत पड़ती है तो बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि सेकंड हैंड लैपटॉप खरीदते हुए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। हमारे पास एक सेकंड हैंड लैपटॉप है तो क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सेकंड हैंड लैपटॉप खरीदते हुए क्या क्या जानकारी होना जरूरी है। जब भी सेकंड हैंड लैपटॉप खरीदने जाएं तो उसके साथ लैपटॉप के साथ साथ बिल जरूर लें, क्योंकि बिल के अंदर किस डेट को खरीदा गया है, कितना पुराना लैपटॉप है, इसके अलावा उसमें कौन कौन से जो भी डिवाइस है, हार्ड डिस्क, रैम, प्रोसेसर, उसका सीरियल नंबर वगैरह लिखा रहता है। इवन चार्जर का भी सीरियल नंबर लिखा रहता है। इससे आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि जो लैपटॉप हम ले रहे हैं उसका सीरियल नंबर क्या है, कितना पुराना है, एकदम आराम से चेक कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, सेकंड हैंड लैपटॉप लेते वक्त आपको लैपटॉप की बॉडी जरूर चेक करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास लैपटॉप है और यहाँ पे आपको देखना चाहिए इसकी बॉडी वगैरह में कहीं पे क्रैक वगैरह तो नहीं है। जब भी सेकंड हैंड लैपटॉप लेना चाहें तो अपने साथ यूएसबी को कैरी जरूर करें, जिससे आप आसानी से यूएसबी पोर्ट, जैसे ये देख लीजिए इसमें यूएसबी पोर्ट यहाँ पर है, इधर भी है, इसके अलावा आपको इधर भी मिल जाएगा। तो यूएसबी पोर्ट को लगाकर जरूर चेक करें कि यूएसबी पोर्ट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके साथ साथ यूएसबी पोर्ट के साथ साथ हेडफोन या ईयरफोन को लगाएं और लगा करके कभी भी ऑडियो वीडियो जो भी है उसको प्ले करें और चेक करें कि ईयरफोन या हेडफोन जो है उसका यूएसबी पोर्ट के साथ साथ ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगला पॉइंट है, सेकंड हैंड लैपटॉप को ले हैं तो मैं दिखा देता हूँ। जैसे ये मान लीजिए ये लैपटॉप है और इस लैपटॉप में आपका कीबोर्ड प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं, जब ऑन करें और पूरा A to Z जितने भी इसमें बटन दिए हुए हैं सारे बटन का प्रयोग करके चेक कर लें कि हमारे ये बटन काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज लैपटॉप को ना लें। इसकी बैटरी बैकअप जरूर चेक करें कि लैपटॉप का बैटरी बैकअप जो एक घंटे काम कर रहा है, दो घंटे, कितनी देर तक ही बैकअप इसका चल रहा है। दोस्तों, लैपटॉप को लेने से पहले चार्जर है उसको कनेक्ट करके चार्ज करके देखें कि 60% या 50% पे जाकर कहीं रुक तो नहीं जा रहा है या 70% पे। अगर 60% या 65% पे जाकर रुक जा रहा है आपका लैपटॉप जो चार्ज कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि इसकी बैटरी बहुत ही जल्दी खराब होने वाली है। अगर 100% चार्ज होकर रुक रहा है, फुल चार्ज दिखा रहा है और बैटरी बैकअप एक घंटे दो घंटे जो भी है उसमें नियम है चल रहा है तो गुड, नहीं तो लैपटॉप को ना लें। दोस्तों, एक बात और बोलना चाहूंगा, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आपको मिले। किसी भी लैपटॉप की हीटिंग डिटेल जरूर चेक करें। हीटिंग का मतलब ये कि कंप्यूटर या लैपटॉप कितना ज्यादा हीट कर रहा है। अब हीट को चेक करने के लिए सबसे सिंपल तरीका यह है कि लैपटॉप की क्षमता के अनुसार कोई हैवी सॉफ्टवेयर को यूज करें, जैसे कोरल ड्रा है, टेक्सल है और हैवी सॉफ्टवेयर जो भी मार्केट में उपलब्ध है उस लैपटॉप पे चेक करें और कितना हीट कर रहा है। इससे आप आसानी से लैपटॉप को चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर हीटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। अगला पॉइंट है, डिस्प्ले को चेक करें। डिस्प्ले में मैं दिखा देता हूं एक बार आपको, ऐसे डिस्प्ले मेरा खुल गया, डिस्प्ले को ऑन करके देख चलाएंगे लैपटॉप को तो डिस्प्ले में कहीं व्हाइट या ब्लैक इस तरह से कुछ तो इधर तो नहीं डिस्प्ले हो रहा है। अगर इसको भी और चेक करने के लिए किसी भी इमेज, कोई एक इमेज को डाउनलोड करें और व्हाइट इमेज को डाउनलोड करें, इससे आपको पता चल जाएगा कि कहीं पर इसमें स्क्रेचेज वगैरह तो नहीं है। लैपटॉप का जो लीड होता है, मैं आपको दिखा दूं लीड क्या होता है। ये लैपटॉप का खोलते हैं तो हमारा लीड होता है, ये इसको लीड बोलते हैं। अब हम क्या काम करते हैं, इसको लीड को ओपन करें और चेक करें। ओपन का मतलब ये कि इसको ओपन करें और बंद करें। अगर ये हमारा हार्ड बंद हो रहा है या स्लो बंद हो रहा है तो समझ जाइए कि लैपटॉप रिपेयर हुआ है या इस तरह से काम हुआ है। तो हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये वीडियो, हमारी ये वीडियो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें जिससे वो भी आसानी से देख सके। दोस्तों, जब भी ये वीडियो देख रहे हैं, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, नमस्कार, सब्बा खैर,